हेलो स्टूडेंट, आज के इस मास ट्रांसफर के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमिडिफिकेशन में जो हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी और सारे जो टॉपिक हैं वो हमने सब डिस्कस कर लिए थे। आज का जो हमारा जो टॉपिक है ह्यूमिडिफिकेशन में वो आपका है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, इसको हम DBT भी बोलते हैं, ठीक है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर से हम क्या समझते हैं, मतलब कि जो हमारा बल्ब होगा, जो आप बल्ब लेंगे, जो बल्ब होगा आपका वो ड्राई होगा, ठीक है। बल्ब होगा वो क्या होगा, आपका ड्राई होगा। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर में एग्जैक्ट में होता क्या है कि ये आपका इट इज द टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाई ए थर्मोमीटर हुज बल्ब इज परफेक्टली ड्राई एंड डज नॉट अफेक्टेड बाई द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। तो यानी कि ये जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है DBT, it is the temperature recorded by the thermometer, recorded by the thermometer whose bulb is perfectly, whose bulb is perfectly dry and is not affected by the presence of any moisture. Any moisture in the air and also not affected by any radiation, ठीक है। यानी कि जो आप टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हैं थर्मोमीटर से, ठीक है, जो आप थर्मोमीटर से आपने क्या किया, टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया, कोई आपने टेम्परेचर किया रिकॉर्ड उसको, ठीक है। जब आपने उसको रिकॉर्ड किया तो ये मान लीजिए थर्मामीटर है, कोई इस तरीके से आप एग्जाम्पल देते हैं तो आपने देखा होगा एक स्टील का यहाँ पर नीचे की तरफ साइड में एक पोर्शन होता है स्टील का, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं। मतलब कि जो बल्ब होगा वो आपका परफेक्टली ड्राई होगा, ठीक है, उस पर कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी मॉइस्चर आपका उस पर नहीं होगा। और वो जो बल्ब है, उस बल्ब का जो टेम्परेचर है, वो अगर आपका कोई भी रेडिएशन है, कोई भी रेडिएशन जैसे आ रहा है तो उस रेडिएशन से वो क्या होगा, अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में जो हमें टेम्परेचर रिकॉर्ड करेगा थर्मोमीटर, उसको हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। तो जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है उसको हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर को हम एयर का ट्रू टेम्परेचर भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमें टेम्परेचर ड्राई बल्ब से हमें प्राप्त होगा उसको हम एयर का ट्रू टेम्परेचर भी कहते हैं, ठीक है।
तो जो इनिशियल पार्ट होता है, जो आपका इनिशियल पार्ट होगा थर्मोमीटर का, इनिशियल पार्ट ऑफ द थर्मोमीटर इज कॉल्ड बल्ब। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है आपके लिए, मैंने बता दिया कि ये जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है वो क्या होता है। अब हम बात करते हैं बैट बल्ब टेम्परेचर की। ठीक है, हम बात करते हैं अब बैट बल्ब टेम्परेचर की। बैट बल्ब टेम्परेचर WBT, WBT, बैट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, अब बैट बल्ब टेम्परेचर के बारे में हमें सब चीजों को क्लियर करना है। ड्राई बल्ब के बारे में तो देख लिया कि ड्राई बल्ब में जो आपका बल्ब है वो आपका ड्राई होना चाहिए। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखवा लेते हैं, फिर आपको एक एक चीज के बारे में हम बता देंगे कि बैट बल्ब टेम्परेचर होता क्या है। देखिए, जो बैट बल्ब टेम्परेचर होता है, तो उसमें लिखते हैं हम टेम्परेचर। इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट में लेंदी है थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं है, समझा देंगे एक एक चीज। टेम्परेचर मेजर्ड वाई ए थर्मोमीटर, थर्मोमीटर हुज बल्ब इज कवर्ड विद वेटेड मसलिन विक, लगभग एक तरीके से फाइबर होता है ये मसलिन विक, मूव्ड मूव्ड पास एन एयर मूविंग मूविंग विद ए स्पेसिफाइड स्पीड सच दैट ए थिन थिन लेयर ऑफ एयर थिन लेयर ऑफ एयर विल गेट डेवलप्ड नियर नियर द बल्ब near the bulb and that triggers the mass transfer that triggers the mass transfer of the moisture triggers the mass transfer of the moisture from the muslin wick to the surroundings thin layer of air temperature
डिक्रीज इन द टेम्परेचर रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड बाई द थर्मोमीटर थर्मोमीटर इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यू देन ए स्टेज देन स्टेज कम्स वेन देन स्टेज कम वेन सराउंडिंग when surroundings thin layer of air become saturated and becomes in thermal equilibrium with the muslin wick temperature recorded at this stage is known as wet valve temperature. ठीक है, तो मतलब क्या है, ये डेफिनेशन थोड़ी लेंदी है, ये आपको डेफिनेशन आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी. ठीक है, एक सेकेंड. ठीक है, ये जो डेफिनेशन है वो थोड़ी लेंदी है, लेकिन आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो आप बुक्स में ये देखेंगे तो ये आपको डेफिनेशन वहाँ पर आपको नहीं मिलती. तो मैं इसको समझाता हूँ क्या क्या चीज़ में मैंने अभी लिखवाई है. मैंने बताया है कि इसमें एक पॉइंट आपका आया है कि जैसे जो टेम्परेचर मेजर्ड वाई है थर्मोमीटर, ठीक है, यानी जो थर्मोमीटर से हम जो टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं उसका जो बल्ब है वो आपका क्या है, एक वेटेड मसलिन विक से कवर है, और उससे क्या है आपकी एयर पास हो रही है कुछ तो कुछ स्पेसिफाइड स्पीड से. अब क्या है, जब एयर पास होगी तो क्या होगा, जो मसलिन विक है उसके आसपास एक थिन लेयर ऑफ एयर क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी. ठीक है, थिन लेयर ऑफ एयर क्या होगी, बल्ब के नियर आपकी डेवलप हो जाएगी, जो क्या करेगी, मास ट्रांसफर को ट्रिगर करेगी. तो मॉइस्चर जो होगा, क्या करेगा, एक क्या आपका जो मास ट्रांसफर को ट्रिगर होगा, और जो टेम्परेचर है उसमें कुछ ना कुछ डिक्रीमेंट आएगा. ठीक है, और जिसे हम थर्मोमीटर द्वारा रिकॉर्ड कर लेंगे. अगर ये प्रोसेस आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी तो एक ऐसी स्टेज आएगी जिसमें क्या होगा, जो आपकी जो एयर है, एयर की जो थिन लेयर है वो क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी. ठीक है, वो क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी, या आपका वो क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे. तो इस कंडीशन में जो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं वो आपका वेट वाल्व टेम्परेचर है. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जब आप थर्मल इक्विलिब्रियम में आया तो जब मास ट्रांसफर स्टार्ट हुआ होगा, मैं लिखवाता हूं इसमें एक सेकंड, देखिए, जब आपका मास ट्रांसफर, जब मास ट्रांसफर आपका स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ वहां पर, तो मास ट्रांसफर होने के टाइम पर क्या हुआ, मास ट्रांसफर स्टार्ट हुआ तो क्या आपका हैपन हो रहा है, व्हाट हैपनिंग, वहां पर क्या चीज हुई. ठीक है, यानी कि जब मास ट्रांसफर आपका स्टार्ट हुआ तो मास ट्रांसफर स्टार्ट होने के समय पर वहां पर जो मसलिन विक है, जो एयर बन रही है, वहां पर क्या हुआ. तो यहां पर क्या होता है कि जो मॉइस्चर है ठीक है, उसने मसलिन विक से हीट ली, उसने क्या लिया, जो मसलिन विक है
उस मसलिन विक से आपकी क्या ली, हीट ली। जब उसने मसलिन विक से हीट ली तो जो मसलिन विक से क्या हुआ, मसलिन विक से आपकी हीट ली, तो मसलिन विक से हीट लेने पर क्या हुआ, हीट लेने पर वो क्या हो गया, आपका वेपोराइज हो गया। मसलिन विक से क्या ली, उसने हीट ली और वेपोराइज हुआ, और जो वेपोराइज होकर और क्या कर रहा है, वो वेपोराइज होकर वो क्या करेगा, वेपोराइज होकर एयर में चला गया, वेपोराइज होकर एयर में चला गया। ठीक है, यानी कि जो मॉइस्चर है उसने क्या किया, जो मसलिन विक है उससे हीट ली, और हीट लेने पर मसलिन विक से जो हीट ली उसने, फिर क्या हो गया, वेपोराइज हो गया, और वेपोराइज होकर एयर में चला गया। ठीक है, अब क्या होगा वहां पे, अब मसलिन विक से हीट लेके वो वेपोराइज होकर एयर में चला गया, अब क्या किया उसने, तो मतलब क्या हुआ, तो जो वेपोराइजेशन, तो दैट मींस आपकी जो वेपोराइजेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई, वेपोराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, आपकी जो वेपराइजेशन प्रोसेस है वो क्या हो गई है, स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और मास ट्रांसफर आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, मास ट्रांसफर आपका स्टार्ट हो चुका है। अब क्या हुआ, मास ट्रांसफर को पहली बार स्टार्ट करना होता है, तो मास ट्रांसफर स्टार्ट करने के लिए क्या होगा, जो मॉइस्चर है वह क्या करेगा, मॉइस्चर से ही एनर्जी लेगा और वेपराइज होगा। ठीक है, वो जब मास ट्रांसफर स्टार्ट होगा तो क्या होगा, मास ट्रांसफर एक बार स्टार्ट करने के लिए क्या होगा, जो मॉइस्चर होगा वो एनर्जी लेगा और एनर्जी लेके क्या हो जाएगा, वो वेपोराइज हो जाएगा। एनर्जी ली उसने और क्या हो गया, वो वेपोराइज हो गया। उसके बाद फर्दर वेपोराइजेशन कंटिन्यू हीट ट्रांसफर से होती है। यानी क्या किया, मॉइस्चर से एनर्जी ली मास ट्रांसफर स्टार्ट करने के लिए, और यदि जो वेपोराइज होने की जो वेपोराइजेशन प्रोसेस आपको कंटिन्यू रखनी है तो क्या होता है, वो हीट ट्रांसफर से होती है। यानी कि जो वेपोराइजेशन आपका चलेगा मॉइस्चर टू मॉइस्चर, आपका जो वेपोराइजेशन हो रहा है मॉइस्चर का, वो कंटिन्यू हीट ट्रांसफर से आपका हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, अब एक बार वेपोराइजेशन आपकी स्टार्ट हो गई तो मॉइस्चर से मॉइस्चर एनर्जी ली और वेपोराइज होकर क्या हुआ, एक थिन लेयर ऑफ एयर में वो मॉइस्चर आपका चला गया। ठीक है, अगर उसके बाद भी हमें वेपोराइजेशन प्रोसेस होगी तो वेपोराइजेशन कैसे होगी, हीट ट्रांसफर ट्रिगर से होगी। तो हीट ट्रांसफर क्या करेगा, उसको ट्रिगर से करेगा। तो हीट ट्रांसफर किसके बीच में, थिन लेयर ऑफ एयर एंड मसलिन विक। ठीक है, क्या है, जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो किसके बीच में होगा, थिन लेयर ऑफ एयर और आपकी जो मसलिन विक है उसके बीच में हीट ट्रांसफर हुआ। इसलिए क्या हुआ, जो थिन लेयर ऑफ एयर का है उसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है। क्यों, जो थिन लेयर ऑफ एयर है उसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है और मसलिन विक है उसका टेम्परेचर थोड़ा कम है। अब क्या हुआ, एक टेम्परेचर डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच में। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है, जो थिन लेयर ऑफ एयर है और जो मसलिन विक है, थिन लेयर ऑफ एयर और जो आपकी मसलिन विक है उसमें जो थिन लेयर ऑफ एयर है उसका टेम्परेचर ज्यादा है और जो मसलिन विक है उसका टेम्परेचर कम है। तो मसलिन विक और एयर के बीच में एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो गया। उस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या है, आपका हीट ट्रांसफर पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, और क्या है, जैसे वो वेपराइज होगा तो क्या होगा, वो मॉइस्चर किसमें, थिन लेयर ऑफ एयर में क्या हो जाएगा, जाके एड अप हो जाएगा। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर चलता रहेगा थिन लेयर ऑफ एयर और मसलिन विक के बीच में, मास ट्रांसफर चलता रहेगा मसलिन विक और थिन लेयर ऑफ एयर में। मतलब क्या हुआ, अभी हम बताते हैं इसके लिए आपके लिए, मतलब क्या हुआ, जो हीट ट्रांसफर आपका हो रहा है,
हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर आपका जो थिन लेयर ऑफ एयर है, थिन लेयर ऑफ एयर है, और आपकी क्या है, एक आपके पास मसलिन बैग है, आपके पास क्या है, एक मसलिन बैग। तो जो थिन लेयर ऑफ एयर है इसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है, टेम्परेचर क्या है आपका, ज्यादा है, और ये जो मसलिन बैग है इसका टेम्परेचर थोड़ा कम है। तो क्या हुआ, इन दोनों में क्या हुआ, एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हुआ, ठीक है, इसमें क्या हुआ, एक टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आपका हीट ट्रांसफर होना हो स्टार्ट हो जाएगा, हीट ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, आपका हीट ट्रांसफर स्टार्ट हो चुका है। अब क्या होगा, मतलब क्या है, जो हीट ट्रांसफर है वो कैसे, किस किस में होगा, जो हीट ट्रांसफर होगा वो होगा आपका थिन लेयर ऑफ एयर में, थिन लेयर ऑफ एयर में और मसलिन बैग में, मसलिन बैग में, मतलब कि हीट ट्रांसफर थिन लेयर ऑफ एयर से मसलिन बैग में होने लगेगा, और जो आपका मास ट्रांसफर है वो मास ट्रांसफर कैसे होगा, मसलिन बैग, मसलिन बैग और थिन लेयर ऑफ एयर में, बहुत काम का पॉइंट है ये, थिन लेयर ऑफ एयर में, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं कि जो आपका वेट बल्ब टेम्परेचर है उसमें हीट ट्रांसफर कहां से होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हीट ट्रांसफर होगा वो हमेशा थिन लेयर ऑफ एयर और मसलिन बैग के बीच में होगा, और जो मास ट्रांसफर होगा वो मसलिन बैग और थिन लेयर ऑफ एयर के बीच में होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है, इसमें क्या है, अब क्या है, अब हीट ट्रांसफर चलता रहेगा जब तक कि दो थिन लेयर ऑफ एयर है वो आपकी सैचुरेट नहीं हो जाती, ठीक है, हीट ट्रांसफर तब तक चलता रहेगा जब तक कि जो आपकी थिन लेयर ऑफ एयर है वो आपकी सैचुरेट नहीं हो जाती, और जैसे ही थिन लेयर ऑफ एयर सैचुरेट हुई इसका मतलब क्या हुआ, अब आपका मास ट्रांसफर एंटर नहीं कर सकता, या दोनों मसलिन बैग और दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएं, ठीक है, मतलब अब कोई फर्दर प्रोसेस नहीं होगी, जैसे सैचुरेट हो गए तो मतलब क्या हो गया, वो एक इक्विलिब्रियम स्टेज में आ गए, अब ना आपका हीट ट्रांसफर होगा ना आपका मास ट्रांसफर होगा। तो ये जो इक्विलिब्रियम है वो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ये आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, मतलब क्या हुआ, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जो केमिकल पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है और थर्मल इक्विलिब्रियम भी एग्जिस्ट करता है। तो मतलब क्या हुआ, ये प्रोसेस आपकी जो हीट और मास की है, हीट और मास की तब तक चलती रहेगी जब तक कि वो सैचुरेट ना हो जाए, ठीक है, जैसे ही वो सैचुरेट हो गए, अब सैचुरेट हो गए तो मतलब क्या होगा, एक तरीके से इक्विलिब्रियम में आ गए, ठीक है, ये क्या हुआ, आपके इक्विलिब्रियम में आ गए, ठीक है, तो जैसे ही इक्विलिब्रियम में आएंगे तो ये इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, केवल नॉट ओनली केमिकल इक्विलिब्रियम, ये आपका क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, यहां पर क्या होगा आपका, इसको हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, मतलब कि क्या है, जो आपकी मसलिन बैग है और थिन लेयर ऑफ एयर है वो आपकी किस में आ गई, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जो आपका केमिकल पोटेंशियल होता है, केमिकल पोटेंशियल, जो आपका केमिकल पोटेंशियल होता है वो आपका क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, और वहां पर आपका क्या है, वहां पर आपका थर्मल इक्विलिब्रियम भी एग्जिस्ट करेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम भी आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, वहां पर आपका क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम भी होगा, ठीक है। अब थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए आपके, तो अब उस टाइम पर थर्मोमीटर जो रिकॉर्डिंग हमें बताएगा वह रीडिंग उस लेयर ऑफ एयर की होगी जो उसके आसपास सैचुरेट हो चुकी होगी, तो उस लेयर ऑफ एयर का जो टेम्परेचर होगा वही आपका वेट बल्ब टेम्परेचर हो जाएगा। अब क्या हुआ, इस कंडीशन पर जैसे वो सैचुरेट हो गए तो उस कंडीशन पर थर्मोमीटर जो टेम्परेचर रिकॉर्ड करेगा वह क्या होगा, वह आपका क्या होगा, वेट बल्ब टेम्परेचर होगा, वो आपका क्या होगा, वेट बल्ब टेम्परेचर होगा। मतलब क्या हुआ, आपकी जो एयर है और जो मसलिन बैग है वो दोनों ही सैचुरेट हो चुकी है, ना हीट ट्रांसफर हो रहा है ना मास ट्रांसफर हो रहा है,
इक्विलिब्रियम में आ चुकी है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में जो केमिकल पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, और वहां पर जो थर्मल इक्विलिब्रियम भी एग्जिस्ट करता है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब जो टेम्परेचर है वो आपका यूनिफॉर्म है, मतलब कॉन्स्टेंट, कोई दिक्कत नहीं, टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में जो टेम्परेचर रिकॉर्ड होगा वो किसका होगा, थिन लेयर ऑफ एयर और उसके सराउंडिंग्स का, ठीक है। तो उस केस में जो आपका टेम्परेचर रिकॉर्ड करेगा थर्मोमीटर वो आपका वेट बल्ब टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो अभी इसके रिगार्डिंग इसका डेरिवेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, आज के लेक्चर में इतना ही काफी है। और जो डेफिनेशन है अगर उसमें कोई डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि जो थ्योरी जो आपकी जो इंग्लिश वाली जो डेफिनेशन लिखवाई है वो आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, बहुत छोटी सी डेफिनेशन होती है, ठीक है। और इसको आप लोग नोट कर लेना, और इसको जो मैंने आपको हिंदी में समझाया है उस चीज को कि मास ट्रांसफर किसके बीच में हो रहा है, कि हीट ट्रांसफर किसके बीच में हो रहा है, हीट ट्रांसफर किस किसके बीच में हो रहा था, थिन लेयर ऑफ एयर और मसलिन बिक के बीच में। क्यों? जो थिन लेयर ऑफ एयर है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, मसलिन बिक का कम है, टेम्परेचर डिफरेंस ऑब्वियस क्रिएट हो गया, मास ट्रांसफर मसलिन बिक और थिन लेयर ऑफ एयर के बीच में, ठीक है। अब ये प्रोसेस कंटिन्यू जब तक चलती रहेगी जब तक ये सैचुरेट नहीं हो जाते, जैसे ही सैचुरेट हुए उस कंडीशन में हम टेम्परेचर मेजर कर लेंगे और वो टेम्परेचर हमें किसका बताएगा, बैट बल्ब टेम्परेचर का टेम्परेचर होगा। आज के लिए क्लास में इतना ही काफी है, थैंक यू क्लास।